भाईजान ये जितनी भी डिशेज है ना सब ने एक एक बनाई है, मतलब लेडीज ने घर की। हाँ कुछ भाभी ने बनाया है, कुछ सबा ने और कुछ मम्मा ने, बाकी फरिया ने सिर्फ देखा है बनते हुए। चलो अंदर 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 हमारे इसको लिख, वो तेरे पीछे भाग रहा है, वो भी भाग जी को नहीं बता रहा है, इसको पकड़ मुझे बता, वो है मेरे दोस्त। अबे ऐसे क्या जबरदस्त, हर चीज जबरदस्त। भाई क्या तैयारियां हो रही हैं? मेहमान आ रहे हैं आज खाने के। ओहो दावत की तैयारियां सुबह सुबह से स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम सभी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो भाई अभी जो है ना वो कुछ टाइम पहले एक शादी थी, मेरे दोस्त की शादी थी भाई, छोटू और लंबू की, मतलब छोटू मेरा दोस्त है और बाकी भाई उनकी वाइफ उसकी जो है वो थोड़ी सी उससे लंबी है, मानो यार इस बात को है तो है। वो सबा की सही दोस्त है और मेरा लारिफ बहुत दोस्त है, सही है। तो मैंने उसके साथ काफी टाइम स्पेंड किया, शो में टाइम स्पेंड किया था, एक टिकटॉक के जर्नी पे उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। सो आज जो है ना मैंने शादी की उसकी रखी है दावत, और दावत कहाँ रखी है, घर पे रखी है भाई। लोग रखते हैं बाहर, वो घूमने फिरने जाते हैं ये वो, लेकिन हमारी क्या है, हमारी जो है ना वो फैमिली गैदरिंग है, और फैमिली गैदरिंग मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। बाहर ये खाने खाकर पेट मेरा भी खराब हो, जिसको दावत दी उसका भी खराब हो। तो हमने बोला कि घर पे आओ, घर पे सारी डिशेस बना देंगे, बिरयानी से लेकर और क्या क्या बनाया आज। बन रहा है फिश बलोची टिक्का, बिरयानी, विंग्स और मीठे में रबड़ी है। तो तुम लोगों ने सुन लिया खाना, मतलब तुम लोग को पानी आ गया होगा। खैर है भाई, थोड़ा पी जाओ, पानी पी जाओ। ये गुब्बारे चल रहा है, कौन है आप, है ही नहीं गुब्बारे वाला यहाँ पर, तो गुब्बारे वाला किधर गया? अबे डमाडस तेरे पास है गुब्बारे वाला, क्या हो रहा है भाई? डमाडस मिंडस के साथ प्रैक्टिस हो रही है सोने की, उठने की प्रैक्टिस भी करा यार थोड़ा बहुत, ये भी बड़ा लेट उठ रहा है भाई, तेरे पे चले गया है पूरा। ओए 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 ओए, उठने में कैसे डर लगता है, गिर भी रहना जाए नाम से। अब इसको टाइम लग रहा है उठते। अबे डमाडस आज तुझे पता है कल तेरी शादी की बात कर रहे थे, आज हमने शादी की दावत भी दी है, एक्टिंग कर रहा है एक्टिंग है। मॉम भी घर पे नहीं है, मॉम भी कहीं साथ संभाल लेने, कुछ तैयारी सभा कर दी, कुछ तैयारी भाभी करेंगी, कुछ तैयारी मम्मा करेंगी। आप जाके गिफ्ट ले आए। कौन सा गिफ्ट? शादी के बाद पहली बार आएंगे। हाँ गिफ्ट भी देना पड़ेगा तो। लेकिन मैं कैसे ले आऊँ, मुझे थोड़ी पता होता है लेकिन वो गिफ्ट क्या देना होता है, मैं तो फिर खराब सूट ले आया या खराब कुछ कोई काम करेंगे भी नहीं हमारे साथ मिल। यार आपने सिर्फ एक बलोची टिक्का बनाना है, ठीक है? और मैंने क्या बनाना है? और कुछ नहीं बनाना है, गिफ्ट ले आओ आप जाकर, जाओ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यार वहाँ ना बहुत तंग करते हैं वैसे। क्या तंग कर दिया? एक दिन पहले बताया आपने, एक दिन पहले ही डिसाइड हुई ना, कल ही शादी की बात करें तो मैंने सोचा कि शादी की दावत भी कर दूं, घर वालों की पिद्दी लगवा दी गाइस मैंने, घर वालों की अचानक से सरप्राइज देके कि कल दावत है, तो सारी तैयारी फटाफट कर रहे हैं। अब एक गिफ्ट भी शायद लेने जाना पड़े हम लोग को, सबको लेके लाजमी जाएंगे क्योंकि लड़की का गिफ्ट भी लेना है ना। आप नहीं जाइएगा, मैं बाजी के साथ जाके अकेले ले आऊंगी। पक्का? थैंक यू इधर हाथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नाश्ता बनाया फटाफट, चले चले नाश्ता इज रेडी भाई, नाश्ते में अंडा चाय और केक, तो फटाफट से करते हैं नाश्ता। अब आप फटाफट से। ओए 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 ओए, दूर, खाना है तो बता दो, पापा अंडा खिला दें मुन्ने को, अंडा खिला देते। चलो भाई आ करो खाना नहीं है, आ कर लो खाना खुना नहीं है कुछ भी। अब बॉल, अब भाई ये देख बॉल खाने को, ये अच्छी चीज है क्या? ये अच्छी चीज है। आज हमारे कमरे में चूहा है। कहाँ से चूहा आ गया? ये देखें, ये चूहे ने खाया है। हाँ, ये चूहे ने खाया है। ये की बॉडी साफ करवा दी थी और जब तक चूहे ने काम कर दिया। अच्छा बासी नहीं, पूरा खाली है। अभी मॉम आ गई भी सामान सारा लेकर। कौन बाहर गया? गेट जिसे खुला इसी बार, इधर अंदर आओ, जल्दी इधर आओ। अब टमाटर को अंदर छोड़ना, तू कहाँ जा रहा है? चलो अंदर, चलो अंदर अंदर अंदर। वो टमाटर को लिख, वो तेरे पीछे भाग रहा है, वो भी भाग रहा है। आ जाओ आ जाओ चलो चलो अंदर, गुड बॉय, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। गाड़ी ओ वो खड़ी, चलो भाई जल्दी फुल ब्लॉक। अरे भाई चलो यार खुल जा, बाय। ओके सो गाइस सभा को अल्लाह हाफिज कर दिया हमने और अब हम निकलते हैं भाई अपने ऑफिस में, थोड़ा सा हमें काम है भाई, तो जब तक हम काम निपटा देंगे जब तक लोग घर भी चलाएंगे और खाना शाना भी रेडी हो जाएगा और फिर मेहमान का वेट हो। रात हो चुकी है यार और मैं भी पहुंचा नहीं हूं, मैं ऑफिस से फ्री हो गया हूं और अब जा रहा हूं घर। टाइम देख सकते हो 8 बजने वाले हैं। ओए 8 बजे में सिर्फ 9 मिनट रह गए। ओए मेहमान आने वाले भाई, मेहमान का टाइम तो 8 बजे का था। ओ भागो घर। अबे रुक, ये क्यों फंस रहा है? चलो भाई चलें घर। मैं बोलता हूँ कोई भी चीज अगर आपने डिस्क्लोज कर ली है ना लोगों के सामने, वो जब करनी है जब आपको
उस चीज में सक्सेस मिले, ठीक है। तो मैं कभी भी ना मतलब इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होता सक्सेस को लेकर, इंशाल्लाह तो मैं जब ही बताऊंगा जब सक्सेस हो जाऊंगा। तो अभी ऑफिस आया था, काफी टाइम काम शाम होता है, तो काम शाम हो गया है लेकिन तुम्हें नहीं बताया, व्लॉग नहीं बनाया। अच्छा होगा ना तो उसके फिर बैक एंड बताएंगे कि भाई ये अच्छा बेहतर कैसे हुआ। जब तक तुम लोग ऐसे ही देखते रहो कि भाई काम करने जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, ये वो, तो बस तुम इतना इतना देखोगे। तो अभी से सॉरी यार, तुम लोग बोलते हो क्यों नहीं बताता, तो सक्सेस के बाद बताते हुए बंदा अच्छा भी लगता है। सुन बाबा, एडवर्ड भाई भी मिल गए, तैयारी पूरी हो गई बाबा? तो भाई रस्ते में पापा ही मिल गया, एडवर्ड भाई मिल गया, एडवर्ड भाई कुछ सामान लेकर आया है, ठीक है। और पापा भी शायद नीचे जा रहे हैं इस्तकबाल के लिए मेरे ख्याल से। भाई घर पहुंचते हुए तो मुझे 7:30 हो गए, 8:30 बजे तक आ जाएंगे भाई। कैसी है तैयारी? अरे इसकी तैयारी तो हो ही नहीं, ये तो वही पुराने कपड़ों में अपने। फटाफट रेडी हो फटाफट। भाई कैसी है तैयारी भाई? कहाँ? ओ ये ही तैयारी भाई, ये है बिरयानी। देखते हैं गाइस कैसी है भाई, हम पहले देख लेते हैं भाई। ओ गम नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी है, जब आप दस्तखान पे बैठेंगे तो टूटने पा। मुझे तो भूख लग रही है जो, बहुत ज्यादा लग रही। जो 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 गिफ्ट आ गए। ओ ग्रेट हो गया भाई, इसमें एक आपकी शर्ट भी है। मेरी भी ले आई गिफ्ट के साथ साथ, ये अच्छा काम किया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? शर्ट दिखाते दिखाते मेरा इतना महंगा ब्लश हो। क्या किया इसने? कर दिया खराब। आज तुमने मामा की दो चीजें खराब की है, एक ब्रश खराब किया और एक ये। बासन तो मेरा वेपन निकला, महंगा मेकअप है मम्मा का यार, तो खराब तो करेगा भाई। आपके पैसे जो पड़े हुए ना उसी में से मेकअप लूंगा मैं। कोई नहीं कोई नहीं। तो गाइस गिफ्ट भी आ चुके हैं, पर अब जो है सिर्फ और सिर्फ खाने की भूख लगी है भाई। जल्दी से मेहमान है, खाना वाना खाए यार, और मजे मजे की बातचीत करें। पूछे एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, कैसा गुजरा है, शादी के बाद क्या फील होता है, क्योंकि हम तो बता चुके हैं, अब दूसरों से पूछेंगे ना। अबे टमाटर, अबे क्या हुआ बोल, तू तो बता, तूने अभी तक नहीं बताया लड़की का यार। अबे तू, तुझसे भी तो एक्सपीरियंस पूछेंगे ना, जब भी तुझे क्यों बताऊं मैं। अबे तू किसको बताएगा? अबे सिर्फ मुझे बताएगा, सब अपने पास से बोल रहे मुझे बताया, पापा ने बोला मुझे बताएगा, ये भी बोला मुझे, मम्मा बोल रही मुझे, मैं किसी को नहीं बता रहा, ये इसको पकड़। मुझे बताया अबे ऐसे क्या, जबरदस्त हर चीज जबरदस्त बता दो। आ जाइए आ जाइए। तो गाइस नीचे से पिक कर लिया भाई हमने लारे और भाभी को, तो जनाब अब जा रहे हैं घर। और क्या खाने में पसंद करोगे वैसे? यार मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, ये सोफिस्टिकेटेड मेनू है, चावल। मैंने तो मैं डर गया कसम से, ओए मुझे डरा रही थी उनको, उनको आप खाया थे। वेलकम, सारे इस्तकबाल में खड़े हैं। चलो भाई बासे घर में मान आए हैं। एटीट्यूड वाला बच्चा, मतलब क्या है बोल नहीं सकता क्या है। वाह मॉम स्टार्टर। ये तो बताएं कि शादी कैसी गुजर रही है? यार अच्छी गुजर रही है। क्या एक्सपीरियंस है? अभी परसों तरसों से गुजरना शुरू हुई है। अच्छा, पहले दोनों बीमार बीमार बीमार। क्या एक्सपीरियंस है शादी के बाद, क्या फील? एक नया फील कुछ? घर का खाना मिल रहा है, मजा आ रहा है। नया यही है अभी तक, नया ये, क्योंकि जरनाम ने कभी कुकिंग की ही नहीं। हाँ मतलब नूडल भी नहीं बनाए और जरनाम ने चिकन कढ़ाई बना ली। ओए बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। ओए गोल रोटी भाई, पहली बारी में गोल रोटी, क्या बात है। वरना अपन बनाए तो इंडिया का मैप, उसका मैप, ऑस्ट्रेलिया का मैप बनता है। बस यही है नया अभी तक यार, अभी ये नया है। मतलब एक साल बाद पूछो, जो भी पूछो फिर। नहीं मतलब अच्छा, लड़ाई जो है वो चार्जिंग सॉकेट पर। अच्छा चार्जिंग, मैं लगाऊंगी मैं लगाऊंगा भाई। वो 15 वाले लोग हैं, हम 13 वाले लोग हैं, वो चार्जिंग एडाप्टर लगे हैं, तो ये लगता फिर भी मेरा ही है चार्जिंग पे। पहले सुकून ही है ना कि जीतने दे, वरना मसला हो जाता है। अभी शुरू शुरू के दिन स्टार्ट है तो अभी से स्टार्ट है, बाद में आपने ना साफ करने पड़े। वाह मम्मी बैठिए जी, धुला धुलन। और चार पांच औरतें लगी हुई है भाई आज तो। भाईजान ये जितनी भी डिशेज है ना, सब ने एक एक बनाई है, मतलब लेडीज ने घर की। हाँ कुछ भाभी ने बनाया है, कुछ सबा ने और कुछ मम्मा ने, बाकी फरिया ने सिर्फ देखा है। बनते हुए मुझे भी तेरे हाथ के खाने खाने हैं, कब खिलाएगी? सिर्फ शेक वेक बना के पिलाती है। तो गाइस काफी ज्यादा भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं फिर बातचीत करते हैं।
वरना खाने पे लंबी हो जाएगी अगर ब्लॉग बनाते रहेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर आया। बुड्ढी हो गई मेरी नानी, सही है, दोस्त को प्यार से कहते हैं जानी, ठीक है, मास के घर में आज बनी है बीफ बिरयानी। अब खा दो। यहाँ मेहमान खाना खा रहे हैं और बास्के को देखिए, ये मेहमानों के सामान के साथ ये ज्यादा भी टांग रख रहा था इस पे। दावत हो और बासिल तंग ना करे, इम्पॉसिबल, सुलाना पड़ रहा है इसको। थैंक यू सो मच मॉम। किस बात का मॉम? मीठे के लिए, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। हाँ। क्या बात, जरूरी है, जरूरी। तो खाते हैं भाई मीठा भी। ओए खा लो जल्दी जल्दी खाओ। मेहमान चलेगा जब खाने की इजाजत मिली है। गाइस इनको मॉम ने मना किया था मेहमान के बाद खाना। मैंने फिर बोला भी था कि उसे बैठ जाओ। गिफ्ट से ये आपका है। जब मिलते हैं ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी भाभी है ये, बताए क्यों? आते ही गिफ्ट आपका है ना। लारे भाई ये आपका साइज क्या था? साइज ये था, ये इस बार अच्छे साइज आएंगे। और ये आपकी मम्मा का है जो आप लेकर नहीं आए, बट अब आपने गिफ्ट लेके जाना है। आंटी का बड़ा अफसोस है भाई। गाइस हम इतनी स्लोली बात कर रहे थे, बासिल सो रहा है, वरना आपको पता है कि शोर ही में व्लॉग बनता है हमारा। सच में तुमने वो चीज ले ली? मैं बिल भी दूंगी जाके चेंज करवा। अगर आप मास को जिम लेके चले गए और मास की है, मतलब आप जितने हेल्दी होगा जितना, यार क्या बॉडी बना ली यार लड़के ने तो। यार आप जहाँ बोलेंगे वहाँ खाना खिलाऊंगी तीन दफा। नहीं एक डील कर ले, मैं आपके मियाँ को ले जाऊंगा, ठीक है? फिर डील कर ले, हफ्ते में तीन दिन आपके टिफिन बना के खाना बना के भेजेंगे। टिफिन वाला खाना एक महीने तक आपने जिम लेके जाना, डन, मैं खुद खाना बना के लेके आऊंगी। अच्छा एक महीने नहीं, मैं खुद भी, मैं जिम का छोर हूँ, मैं हफ्ते में मैक्स चार दिन तो जाता हूँ, चार दिन जाए। अरे मैं कह रही हूँ जाए, एक दिन भी जाए, मैं उसी दिन अगले दिन खाना लेके आऊंगी। सारे घर वाले पीछे पड़े हुए यार, मैं ताकि जिम जाऊँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक हो गया हूँ, बट काम इतना ज्यादा है ना अभी जो है ना, ये सब बोल रहे हैं कि भाई काम शाम थोड़े छोड़ो और जिम जाओ। मॉम बार बार गाय चक्कर लगा रही है। मॉम ने एक बार हमें बहुत सारा खाना खिला दिया है और फिर मॉम ने रसमलाई ला के दी, अब मॉम फिर आ गई है। बच्चों को बताओ चाय कॉफी कोल्ड कॉफी। बासिल जनाब उठ चुके हैं और बासिल की जो खिलौना है उसको असेंबल कर रहे हैं हम। आ जाओ भाई, आप भी बैठ जाओ भाई। आह भाई पता है तुम्हें असेंबल कैसे करना है? ओए डरा दिया भाई, बॉक्स को फाड़ दो। ओए अनबॉक्सिंग हमारी। ओ अच्छा, बासिल जो है जो इस पे लिख सकते कुछ भी। इससे मुझे ये तो पता है कि ये इस पे जाएगा। एक चीज हो गई, अब पाए लगाओ। लगा आ गई है। यूं आएगा, यूं आएगा, इस साइड का, फिर ये साइड का है। हां ये लगा, सही लगा। अब आगे वाले को लगाएं, ये यूं कि जल्दी करें। फिर ये हाथ उठाएं, कहाँ लगेगी स्लेट? फिक्स है, हो गई स्लेट, स्लेट फिक्स भी हो गई। ये बंदेगी भी यहाँ से ना थोड़ी सी। इसका पेन किधर गया? ओ निकल जा पेन। ओ तूने मुझे खींच रहा है, तू पेन छोड़ इसको। नहीं अबे पेन छोड़, ये बात लिख रहा हूँ। टक्कर के मारू, लारे रख के रख के, ये चीज लास्ट चीज बासिल दे दो, शाबाश। रेडी बासिल की गाड़ी, चलाओ बासिल, चलो शाबाश, टिकट बाद में लगा लेंगे ये। चलाओ चलाओ चलाओ, लारे कोई देख के डर रहा है, लारे तुझे हट जा भाई यहाँ से, हट जा, चलो चलाओ। आ जाओ, रो क्यों रहे हो? मेहमानों से पीछे डर रहे हो तुम? दादा को बताओ डर रहा है बस, ये पता नहीं उनसे क्या हुआ। एंड दी एंड हमने लगवा लिया भाई यहाँ पर लूडो। लूडो पड़ा था हमारे पास, मेरी ग्रीन येलो ब्लू और रेड, तुम्हारी येलो मिली है। ऐसा मैच है कि क्विक है, तोड़ के अंदर जिसके पहले हो गई वो फर्स्ट, फिर सेकंड में जिसने किया सेकंड, थर्ड पे जिसने किया थर्ड। जो पहले जीता उसको क्या मिलेगा? जो पहले जीता उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो हारेगा उसको सजा मिलेगी। ये डिसाइड करेंगे कि उसको सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी तरफ देख के ऐसे कर रहे जैसे मैं हारूंगी। कोई भी हार सकता है भाई। टाइम पर लूडो खेलने, मतलब तुमने पहाड़ों पे लूडो खेली थे भाई एक बार, जो कि हम 5,000 रुपए हार गए थे टू दुबई से, तुम लोग को याद होगा। अब खेलने लूडो, अगर हम लड़कियां जीती तो आप लोग हमें शौर शौर पहले जीतो। भाई मैच के बीच में बासिल आ चुका, ओए ओए खराब करने वाला था। भाई मैच जो है ना काफी अच्छा हो चुका है, मैं सेकंड हो चुका हूँ, ये बंदा फर्स्ट हो चुका है, और ये दोनों जो देखते हैं बाहर तक कौन है, सजा सोच के रख भाई।
बोलते दोनों बीवियां जीत गई तो क्या होगा, दोनों मियां जीत गए, हम सजा पता था, हमें पता था लड़कियां हार जाती हैं यार, तीनों सजा से वो करते हैं, जनाब हार चुके हैं, देख लो क्या हो रहा है मेरे साथ, सजा क्या देनी है भाई, सजा बताएं जी जनाब, आप लोग दो, हम आपके न्यू नी शादी हुई है सब, एक काम करते मेहमान है, माफ कर दिया भाई, माफ कर दिया, माफ, जब तक सबा भाभी हार नहीं दी थी ना तब तक थी मासूम, जैसी जीती है ना माफ किया जा, कैसे बोला, चुपचाप चुपचाप, बाय 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 बाय, तारीफ शॉपिंग करने आए थे क्या, ये दावत में आए थे शॉपिंग, स्टॉक को जो है वो ड्रॉप करवा दिया नीचे, अब जा रहे हैं भाई ऊपर, काफी लेट हो गया भाई, देख सकते हो 2:20 पे इतनी सारी हमने बातचीत की, खोलो ओके सब्सक्राइबर भाई, हमें गिफ्ट शिफ्ट दे गया, थैंक यू सो मच, अब मजा आया आपको आज दावत में, हमें तो टाइम ही पता नहीं चला, व्लॉग को जैसे एंड करते हैं, घर में सारे सो गए भाई, जैसे ही वो लोग गए ना सब सो गए, तो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दो भाई, टेक केयर, ख्याल रखो और सब्सक्राइब भी मस्ट करना यार, ये जो रेड बटन दबा दो, तोड़ दो फोड़ दो, मैं छोटी सी बात बता दूं कि मेरे व्लॉग जो है ना वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं होते, मैं ओवर भी नहीं करता, ड्रैग भी नहीं करता, बस सिंपल और स्मूथ व्लॉग लेके चल रहा होता हूँ, जिनको पता है वो बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार की वजह से आपका भाई यहाँ पर है, सो थैंक यू सो मच और लव यू, बाय बाय, चल की बात ही कर दी